जो प्रभु विराजमान है वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के जो स्वरूप है वो इसमें विराजमान है। तो आपको एक दत्तात्रेय गुफा मिलेगी, दत्त गुफा कहते हैं उसे। नीचे वो मंदिर है, वहाँ से उस प्रकार की चढ़ाई करने के बाद ऐसे लाइन में लगते हुए इस मंदिर में अंदर चरण पादुका मौजूद है। और जैसे ही आप इधर निकलोगे तो यहाँ खाने पीने का रेस्टोरेंट भाई हर एक इंतजाम है। शिखर से जैसे ही नीचे आ रहा था तो ऋषभ भाई जिनके यहाँ में आज रात गोष्ठित था उन्होंने एक नंबर दिया था। यहाँ पर लोकल भाई हैं उनके या फिर रिलेटिव ही हैं, नाम है उनका जबर सिंह। तो भाई साहब आ गए हैं, ये रे भाई, और अभी हम इनके घर पे जा रहे हैं, ये मेरे को घर पे लेके जा रहे हैं। और जगह की बात करूँ तो जगह यहाँ पर जो पीस पार्क गार्डन है वहाँ पर जा। फाइनली मैं भाई के घर पे आ चुका हूँ। गांव का नाम है ओरिया गांव। ओरिया ऐसे माउंट आबू का बहुत सारे गांव हैं, तकरीबन 10 से 12 गांव तो होंगे ही आराम से। तो उनमें से गोवा गांव में जहाँ रुका था रात को, और ये है ओरिया गांव। घर पे आया था, चाय वाय हो गई है, और अब ये है फैमिली उनकी। अगर फैमिली की बात करूँ, ये हैं भाई और इनके दो बच्चे हैं। ये आपका नाम क्या है? हेमलता। ओके, अब हम लोग चल रहे हैं अचलगढ़ फोर्ट देखने के लिए, जो यहाँ से तकरीबन थोड़ा ही पास में है ना। और बाइक से चल रहे हैं, भाई भी मेरे साथ चल रहे हैं, तो अब चलते हैं आगे। हाँ बिल्कुल, शॉर्ट रास्ते से चलते हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे खेत होते हैं यहाँ पे ना। अच्छा, ये मुर्गी फार्म है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अचलगढ़ फोर्ट, शायद उधर है किला ऊपर, और ये इधर से छोटा सा रास्ता है, शॉर्टकट है या फिर क्या है, और ये शायद पॉन्ड्स वगैरह था यहाँ। और ये क्या है, ये तीन? ये बफेलोज है। अच्छा, ये बफेलो है? हाँ जी, ये सतयुग के टाइम में राक्षस थे। अच्छा, ये राक्षस थे पहले सतयुग के टाइम में, ये राक्षस थे ना। हाँ हाँ हाँ, फिलो जाइए अभी इनके अपने, जैसे आप लोग आते हैं ना यादगार के लिए, इनको पत्थर के बनाया गया। ओके, यादगार के लिए पत्थर के लिए बनाया गया है। ये राक्षस थे, ये राक्षस थे, इसे मंदाकिनी कुंड कहते हैं। भैया ये कौन है, आप बता सकते हो? ये तीन बफेलोज है। बफेलोज है। ओके, पहले ये पहले जमाने में राक्षस थे। अच्छा अच्छा, ये इस घी को पीने आते थे ना। हाँ हाँ, कुंड में ये जो ये पूरा कुंड है घी से भरा रहता था। कुंड का नाम है मंदाकिनी कुंड। तो ये छोटी छोटी कुटिया दिख रही है। हाँ, वो उसमें ऋषि मुनि बैठ के हवन करते थे, तपस्या वगैरह करते थे, हवन करते थे। उनकी तपस्या भंग हो जाती थी, तो इन्होंने देखा कि या तो घी को कोई झूठा कर रहा है। यहाँ के राजा थे, राजा आदिपाल परमार राजा थे, इन्होंने रात को पहरा लगाया। अच्छा अच्छा, पहरा लगाया तो जैसे ये घी पीने आए ना, तो इनको तीर से मार दिया। अच्छा, इनको तीनों को एक साथ एक ही तीर में मारे इनको। अच्छा, तो अपने जैसे लोग बाग आते हैं तो यादगार के वजह से इनको पत्थर के बनाए। अच्छा अच्छा, यादगार के लिए। और तीर आप देख सकते हो, एक ही तीर से तीनों को मारा। कहीं ना कहीं इन तीनों जो मूर्तियाँ हैं इनमें निशान लगा हुआ है, आपको दिखाते हैं अभी। ये है इस प्रकार का, एक ही तीर में मारा, और यादगार के रूप में इन्हें
ऐसे भैंसों के रूप में यार मूर्ति बना के रखा है। और भाई ये बता रहे इधर ये जो एक महल आपको नजर आ रहा है सामने, ये राजा भर्तरी का महल है। राजा भर्तरी का, राजा गोपीचंद की गुफा वहाँ ऊपर, वहाँ ऊपर है। ये मामा भांजे थे? हाँ मामा भांजे। अच्छा अच्छा के। और ये सारी जो ये हैं, ये जगह का नाम क्या? अचलगढ़। अचलगढ़ है ये, अचलगढ़। ये कुंड का नाम है मंदाकिनी। अच्छा मंदाकिनी कुंड। ओके तो अचलगढ़ को अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अचलगढ़ किला थोड़ा उधर है। हाँ किला तो ऊपर है भैया। वो शायद एक सफ़ेद सफ़ेद कलर का वो नज़र आ रहा है, वो क्या है? वो तो जैन मंदिर है। जैन मंदिर है ऊपर। अच्छा अच्छा। वैसे शिव जी का मंदिर भी है नीचे। अचलगढ़ फोर्ट के लिए ही फेमस नहीं है बल्कि बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। इधर अगर मेरे राइट में आप देखोगे अचलगढ़ मंदिर है, और यहाँ पर अचलगढ़ जैन का तीर्थ भी है। यहाँ पर वो मंदिर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, वो रहा सामने जो कि जैन लोगों के तीर्थ हैं वहाँ ऊपर। और ऊपर एक मंदिर भी है जो जैन लोगों के तीर्थ में शामिल होता है, तो वहाँ अपन चलने की कोशिश करेंगे। वरना समय की थोड़ी सी पाबंदी है, तो उस हिसाब को देखते हुए आपको भी एक्सप्लोर करवाते हैं। अगर अचलगढ़ आना चाहते हैं तो यहाँ पर आने के लिए इस प्रकार की बहुत सारी, वैसे तो टैक्सी हायर कर सकते हो, वरना यहाँ ये लोकल जीप्स हैं ये भी चलती हैं, या फिर आप रेंट पर ले सकते हो बाइक या फिर स्कूटी वगैरह कुछ भी रेंट पर लेके पूरा माउंट आबू एक्सप्लोर कर सकते हो। एग्जैक्ट रेट मैं किसी से पूछ कर बताऊँगा या फिर कोई क्या कहते हैं शॉप वगैरह पर जाके बताऊँगा, मगर हाँ आप इस प्रकार से पूरा का पूरा माउंट आबू एक्सप्लोर कर सकते हो। उनमें से अचलगढ़ आना बिल्कुल भी ना भूलें। और यहाँ पर खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। इस प्रकार के बहुत सारे रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे। और फीस की बात करूँ तो फीस यहाँ बहुत ही मिनिमम है, या फिर है ही नहीं, शायद फ्री है। मुझे तो अभी तक नहीं लगी कोई भी फीस। अपन ये दिलवाड़ा टेंपल पे, दिलवाड़ा टेंपल की अगर टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह ये 12 बजे दोपहर में से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। एक फेमस चाय है यहाँ पर जो कि माउंट आबू में सबसे ज़्यादा फेमस है। दुकान का नाम है आबू की प्रसिद्ध हीरा भाई की चाय। यह है व्यू नक्की लेक का। जनरली ज़्यादातर टूरिस्ट माउंट आबू पर जब आते हैं तो यहाँ बस विजिट करते हैं। आइए चलते हैं उस साइड और आपको बताते हैं यहाँ पर इस लेक में बोटिंग का क्या चार्ज होता है।